नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स के एक सम्मानित सब्सक्राइबर ने हम लोगों को डोनेट का बटन लगाने के लिए बोला था। उनके कहने पर हमने ये बटन लगाया है। मैं तो उनमें से हूँ कि मैंने कभी यह भी नहीं कहा कि चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, लेकिन उसके बाद भी इस चैनल पे 5 महीने में इतने सब्सक्राइबर हैं कि आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हो। यह एक सफल चैनल साबित हुआ है और मुझे खुशी है कि आप इस चैनल को पसंद कर रहे हैं। बड़ी बात यही है दोस्तों कि जिन सब्सक्राइबर ने हमको डोनेट का बटन लगाने के लिए बोला था, तो हमें नहीं पता, वैसे यहाँ पे काफ़ी लोगों ने पैसे भेजे हैं, डॉलर के रूप में भेजे हैं, और हम किसी से मांग नहीं रहे हैं और मांगने की अपनी आदत भी नहीं, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, हम मांगते नहीं। मैं उन दोस्तों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मदद भेजी है, और ये मदद एक सही जगह जाएगी और किसी भी व्यक्तिगत रूप में खर्च नहीं होगी, ये मेरा आपसे वादा है। धन्यवाद। कर्ज कर्ज कर्ज, मतलब अब लोग किसी भी कर्जबंद आदमी को पाकिस्तान कहकर पुकारने लगे हैं। यह दुनिया में नई प्रथा का सूत्रपात है, क्योंकि यह उस घटना को प्रतिबिंब करता है कि कैसे खुद को शक्तिशाली और लंबरदार बताने वाला मुल्क फूस का घोड़ा निकला। यानी जो देश भारत की बराबरी की बात करता था, वही पाकिस्तान 1971 में इससे अलग हुए बांग्लादेश के कदमों की धूल तक नहीं है। पाकिस्तान की GDP 4% के लगभग है, जबकि बांग्लादेश 7% की ग्रोथ से आगे बढ़ रहा है। पूरी उम्मीद है अगले कुछ सालों में पाकिस्तान के बाजे में जंग लग जाएगा। खरबों के कर्ज में डूबे पाकिस्तान में अब गृह युद्ध जैसी स्थिति बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। पाकिस्तान की कंपनियां जिस तरह बिना पैसे और निर्यात के दिवालिया हो रही है, उससे तो हालात ऐसे ही इशारा कर रहे हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी पाकिस्तान स्टेट ऑयल, जिस पर खुद दुनिया का भारी भरकम कर्ज है, पाकिस्तान के अन्य सरकारी उपक्रमों को इसके द्वारा दिया गया पेट्रोलियम पदार्थों का पैसा वापस नहीं मिल पा रहा है। मिले भी कहां से? पाकिस्तान की हर सरकारी कंपनी एक एक पाई के लिए इमरान खान के भीख के कटोरी की तरफ देख रही है कि कब कौन उसमें पैसे डालकर जाता है और कब इमरान खान भीख मिलने की खुशखबरी सुनाता है। पाकिस्तान स्टेट ऑयल का अरबों का तेल हजम करके बैठ चुकी है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस जैसी कंपनी, अब PIA की हालत इतनी खराब है कि इसके खाते में अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने के भी पैसे नहीं बचे हैं। पाकिस्तान स्टेट ऑयल का पाकिस्तानी सरकार पर 30 अरब रुपए का कर्ज है। सुई नॉर्दर्न गैस का सरकार पर 55 अरब रुपए का बकाया है। पावर सेक्टर का 261 अरब रुपए का बिल इमरान खान के ऑफिस में जा चुका है। अभी तक दुनिया पाकिस्तान के बाहरी कर्जों पर ही कानाफूसी कर रही थी, लेकिन अब इस मुल्क की घरेलू आर्थिक समस्या भी खुलकर सामने आने लगी है। हालत यह है कि पाकिस्तान के सभी सरकारी इदारे इधर से उधर दौड़ लगा रहे हैं। PSO ने 17 अरब रुपए का बिल PIE को भेज दिया है, जिसमें PIE के अधिकारी इमरान खान के कटोरे में बार बार झांक कर देख रहे हैं कि कुछ भीख आई हो तो उन्हें भी मिले। आपको बता दूं, ये वही PIE है जो पिछले महीने ब्रिटिश एयरलाइन द्वारा पाकिस्तान में 20 साल बाद अपनी फ्लाइट शुरू करने पर ऐसा ढंडोरा पीट रही थी मानो इसने अमेरिका को युद्ध में हरा दिया हो। अब अपने कर्जे की बात सामने आने पर PIE आकाश में उड़ने की बजाय रनवे से केले के छिलके उठा रही है। खास बात यह है कि PIE के आधे विमान बिकने के बाद ही यह कर्ज उतर पाएगा। वैसे भी दुनिया जानती है कि PIA के विमानों की हालत हिंदुस्तानी घोड़े टांगों के बराबर है, क्योंकि इसके पायलट मैट्रिक पास है। खास बात यह भी है कि खुद पाकिस्तान के लोग भी PIA की फ्लाइट में बैठने से पहले ही या अल्लाह रहम करना जैसे स्लोगन बोलकर बैठते हैं। अब पाकिस्तान की ये 4 बड़ी कंपनियां दिवालिया होने के कागार पर पहुंच चुकी है। अगर पाकिस्तान की यही हालत रही तो कभी भी इनका बैंड बज सकता है। अगर इनका बैंड बजा तो समझ लेना पाकिस्तान का भी बैंड बच जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान इन्हीं कंपनियों के बल पर देश चला रहा है। यह कंपनी आम पाकिस्तानी को गैस, बिजली और तेल जैसी सुविधाएं मुहैया कराती है। मतलब पाकिस्तान का पलीता लग चुका है, और अब उस पलीते से उठने वाली चिंगारी में बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ईरान जैसे मुल्कों के हाथ सेकने की बारी है। इस सर्दी में पाकिस्तान जला तो हम हिंदुस्तानी भी इसकी आंच का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि एक मजबूत पाकिस्तान कभी भी भारत के हित में नहीं हो सकता, कभी नहीं। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।